हेलो फ्रेंड्स, सिमंत्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप सभी को मैं दिखाऊंगी मैंने ये कैसे तैयार मतलब की हूँ। तो आप बने रहिए, मैं दिखाती हूँ। तो जैसे कि ये जो रेसिपी है मतलब आप सभी घर में ईजीली ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया। तो पहले मैंने आलू भून के रख दिया था और ये प्याज कूची, और उसके बाद आपका ये फ्रेश एकदम ब्रेड और ये बेसन को मैंने तैयार करके रखी हूँ। और यहाँ पे ये टमाटर और वहाँ पे आपका थोड़ा सा लहसुन भी लिया तैयार करने। तो अभी मैं ग्रीन मिर्ची, जो कच्चा ग्रीन मिर्ची, उसको सुखा के मैं रखी थी स्पेशली, तो उसको डाला। और अभी थोड़ा सा जीरा भून लिया मैंने। तो अभी कैसे करते हैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो अभी कढ़ाई तो बराबर गर्म हो चुका है, तो अभी दिखाएंगे कैसे हम इसको करते हैं। आप फर्स्ट मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो तैयार हो जाता है, तो मैंने सोचा चलो आज इसी को बनाते हैं। तो अभी हम प्याज तो लगभग हो चुका है रेड, अभी मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया, तो इसको भी अच्छे से थोड़ा फ्राई करना है, ठीक है? मतलब ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है। तो इसको अभी अच्छे से हो जाने के बाद अभी मैं इसमें अच्छे से एक साथ उसको मिक्स करके अच्छे से इसको पकड़ना। तो जब मेरे साथ बने रहे, और प्लीज़ मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे सब्सक्राइब करने में बहुत ही कंजूसी कर रहे हो। इतना कंजूसी नहीं करना है, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना है। तो अभी जो फ्रेश जो ब्रेड था उसको मैंने कटिंग करके रख दिया, जो कि अभी मेरा लगभग सब कुछ तैयार हो चुका है। तो अभी आलू भी होने वाला है, अब देखिए सोचे ब्रेड में लगाना है, उसके बाद क्या करना है, ब्रेड अच्छे से इसको आपको लगाना है ब्रेड में, ठीक है? आलू को अच्छे से लगाने के बाद उसके बाद और एक ब्रेड ऊपर डालना है। तो पहले मैं अच्छे से लगा लेती हूँ, अभी दूसरा जो ब्रेड है इसको यहाँ पे डालना है, मिक्स डाल के अभी जो बेसन है उसमें लगाना है। तो आप सब बने रहो एंड देखते रहो, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस करो। एक एक करके मैं ऐसा करके सबको रेडी कर रही हूँ, ठीक है? रेडी करके रख रही हूँ। अभी लगभग मेरा सब कुछ एकदम रेडी हो गया है, अभी जस्ट बेसन में इसको अच्छे से डुबाना है, उसके बाद ऑयल में छोड़ना है। तो लगभग मेरा जो कढ़ाई है ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो अभी ऑलरेडी ब्रेड को भी छोड़ चुकी हूँ। तो अभी मेरा
बस कुछ ही टाइम में मेरा ब्रेड पकौड़ा तैयार होने वाला है। कैसा लगा मेरा ये ब्रेड पकौड़ा, प्लीज़ कमेंट में आप सभी लोग मेरे को ज़रूर बताना। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस, मेरा ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।